ही भरतीचा जीआर काढला होता ते स्वतः याचे गुन्हेगार आहेत। या देशाच्या महाराष्ट्राच्या युवांना बेरोजगार करण्याचा जघन्य पाप हे उद्धव ठाकरेंनी शरद पवारांच्या मार्गदर्शनाखाली केला आहे। ज्याप्रमाणे शुंभ निशुंभ ह्या दानवांचा अंत देवीने केला होता त्याचप्रमाणे माननीय देवेंद्रजींनी ह्यांचा जीआर रद्द करून ह्या महाराष्ट्राच्या युवांना त्यांची मार्ग मोकळा केला त्यांच्या नोकरी भरण्यासाठी। हे लोक स्वतःहून पाप करतात आणि उलटा चोरा स्वतःच्या चोरीच्या बोमा उलटा चोरांच्या बोमा असा यांचा प्रकार आहे। उलटा चोर कोतवाल को डाटे इस प्रकार की जो वृत्ति है शुंभ निशुंभ दानव की तरह इनका अंत होगा। महाराष्ट्र की जनता इनको देख रही है इनका आज चेहरा बेनकाब हो चुका है। शरद पवार से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए शरद पवार से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए उद्धव ठाकरे से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए त्यांची मार्ग मोकळा केला त्यांच्या नोकरी भरण्यासाठी। हे लोक स्वतःहून पाप करतात आणि उलटा चोरा स्वतःच्या चोरीच्या बोमा उलटा चोरांच्या बोमा असा यांचा प्रकार आहे। उलटा चोर कोतवाल को डाटे इस प्रकार की जो वृत्ति है शुंभ निशुंभ दानव की तरह इनका अंत होगा। महाराष्ट्र की जनता इनको देख रही है इनका आज चेहरा बेनकाब हो चुका है। शरद पवार से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए शरद पवार से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए उद्धव ठाकरे से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए उद्धव ठाकरे से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए उद्धव ठाकरे से कराए चुकाए आदि नौका पर चुकाए शुंभ निशुंभ दानव का अंत होणार म्हणजे होणार होणार शरद पवार उद्धव ठाकरेंचा निषेध असो निषेध असो निषेध असो शरद पवार उद्धव ठाकरेंचा निषेध असो निषेध असो निषेध असो शरद पवार हाय हाय शरद पवार हाय हाय शरद पवार हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे हाय हाय 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 शरद पवार 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 हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय उद्धव ठाकरे हाय हाय घोटालों की सरकार हाय घोटालों के सरदार शरद पवार 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 घोटालों के सरदार सरकार का निषेध हो निषेध हो निषेध हो एक सिंगल आईडी करता है। जिस प्रकार से शुंभ निशुंभ इस दानव का अंत माई ने किया था उसी प्रकार से ऐसे दानवी जीआर का अंत आज देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है। जो जीआर महाराष्ट्र के युवाओं को बेरोजगारी के खड्डे में ढकेलने वाला था ऐसे जीआर को लाने वाले उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शरद पवार जी के नेतृत्व में उन्होंने जब मुख्यमंत्री थे वो जीआर लाया। माननीय देवेंद्र जी ने उस जीआर में 30% उनकी कटौती की। जो भ्रष्टाचार उन कॉन्ट्रैक्टर से हुआ है आज उसकी जवाबदेही महाविकास आघाड़ी के पास नहीं है जिसके लिए आज वो देवेंद्र जी के ऊपर उल्टा आरोप कर रहे हैं। यह जीआर आने वाले समय में महाराष्ट्र की जनता के लिए महाराष्ट्र के युवाओं के लिए एक जो जीआर रद्द किया है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तरीके से साबित होगा। और क्या आगे कहाँ पे मोर्चा करेंगे आप क्या क्या करेंगे सर? पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आज के दिन आंदोलन कर रही है और आने वाले समय में आंदोलन और तीव्र होगा। जो फॉल्स प्रोपोगेंडा माननीय देवेंद्र जी के खिलाफ ये उद्धव ठाकरे गट शरद पवार गट और कांग्रेस कर रही है उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में देगा। तो समय के
उस समय किस समय की बात कर रहे हैं? जीआर 2010-11 से चलते आ रहा है। उस समय जो है विरोध ये जीआर कई सालों से चलता आ रहा है और इसका विरोध करने का मतलब कल देवेंद्र जी ने अपने प्रेस में क्लियर कट सारे सबूतों के साथ दे दिया है कि इस जीआर में ऐसी कुछ बात नहीं है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उसका सविस्तर जानकारी कल देवेंद्र जी ने दिया है। पर झूठ फॉल्स प्रोपेगेंडा करके उनको टारगेट करने का जो प्रयत्न है उसके निषेध में आज हम यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में उतरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता।